नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, यहाँ साल भर सूर्य की किरणें करती हैं देवी लक्ष्मी की पूजा। मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक जिला है, जिसमें धन की देवी लक्ष्मी का एक सुंदर मंदिर है। यहाँ पर देवी लक्ष्मी को अम्बा जी के नाम से पुकारा जाता है। कोल्हापुर का इतिहास धर्म से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से ये जगह धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंदिर से सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर देवी लक्ष्मी मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि इस माँ लक्ष्मी मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में चालुक्य शासक कर्णदेव ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। इसके बाद शीलहार यादव ने इसे 9वीं शताब्दी में और आगे बढ़ाया। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में देवी महालक्ष्मी की लगभग 40 किलो की प्रतिमा स्थापित है, जिसकी लंबाई लगभग 4 फीट की है। यह मंदिर 27,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 35 से 45 फीट तक की है। कहा जाता है कि यहाँ की लक्ष्मी प्रतिमा लगभग 7,000 साल पुरानी है। सूर्य की किरणें करती है लक्ष्मी की आराधना। यह मंदिर सुंदरता के साथ साथ अपनी अनोखी परंपरा के लिए भी मशहूर है। इस मंदिर में माँ की मूर्ति पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसे किरण उत्सव या किरणों का त्यौहार कहा जाता है, जो कि अपने आप में ही बहुत खास है। 31 जनवरी से 9 नवंबर तक सूर्य की किरणें माँ के चरणों को स्पर्श करती हैं। 1 फरवरी से 10 नवंबर तक किरणें माँ की मूर्ति पर पैरों से लेकर छाती तक आती हैं, और फिर 2 फरवरी से 11 नवंबर तक किरणें पैर से लेकर माँ के पूरे शरीर को स्पर्श करती हैं। पश्चिम की ओर देवी का मुँह। समंता देवी लक्ष्मी के मंदिरों में उनका मुँह उत्तर या पूर्व दिशा में रहता है, लेकिन यहाँ का मंदिर थोड़ा अलग है। यहाँ के मंदिर में देवी लक्ष्मी की मूर्ति का मुँह पश्चिम दिशा की ओर है, जो कि बहुत ही कम मंदिरों में पाया जाता है। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।